तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो अगर आपका बजट 18,000 के आसपास में है या फिर 20,000 के अंडर में है और आपको इस बजट में एक अच्छा लेटेस्ट बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए तो ये वीडियो आपको एक अच्छा स्मार्टफोन लेने में काफी हेल्प करेगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में 18,000 के अंडर में आने वाले 5 सबसे बेस्ट स्मार्टफोन को अपने लिस्ट में रखा है, जो लेटेस्ट बेस्ट एंड वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, जिसमें कैमरा, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, बैटरी वगैरह सब कुछ एकदम टॉप नॉच का मिलेगा। तो अगर आप इन सभी फोन के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं और आपको इस बजट में एक अच्छा बढ़िया फोन चाहिए तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए देखते हैं आज का वीडियो को। और हाँ, मैंने सभी फोन्स को रैंक कर दिया है, नंबर 5 वाले फोन से स्टार्ट करेंगे और घटते घटते नंबर 1 तक जाएंगे। तो लिस्ट के 5वें नंबर पे आता है रेडमी की तरफ से रेडमी नोट 13 5G। तो 18,000 के अंडर में रेडमी की तरफ से आने वाला ये भी एक अच्छा बढ़िया फोन है। क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है, आइए देखते हैं। तो इसमें 6.67 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, जो कि पंच होल डिस्प्ले है। इसमें 120 हर्ट्ज का ये रिफ्रेश रेट मिलेगा एंड 1000 निट्स का पीक ब्राइटनेस दिया गया है। तो रिफ्रेश रेट एंड ब्राइटनेस वगैरह बढ़िया है, इवन डिस्प्ले बढ़िया मिलेगा। तो अब कैमरा की बात करेंगे तो इस फोन के बैक साइड 3 कैमरा मिलेगा। मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का है, सेकंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 8 मेगापिक्सल का है, थर्ड कैमरा डेप्थ सेंसर है जो कि 2 मेगापिक्सल का है और सेल्फी कैमरा वो 16 मेगापिक्सल का है। प्राइमरी कैमरा का 1.7 का अपर्चर है और आप आगे पीछे दोनों ही कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। ना ही OIS का सपोर्ट मिलेगा, ना ही 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है इसमें, बट इस बजट के अकॉर्डिंग कैमरा इस फोन का सही मिलेगा। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस का। तो गाइस, इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 6080 वाला प्रोसेसर मिलेगा जो कि 6nm पर बना हुआ है और लगभग 4.5 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर भी है। डिसेंट प्रोसेसर मिल जाएगा एंड स्कोर वगैरह सही है। बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 5000mAh का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 33W का चार्जर को। 33W का चार्जर मिल रहा है तो ये चीज भी ठीक ठाक ही है। वहीं रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 6GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो ये फोन प्लास्टिक बॉडी के ही साथ आता है। 174 ग्राम इस फोन का वेट है एंड 7.6mm का थिकनेस है, तो काफी स्लिम एंड लाइट वेट सा फोन है। डिजाइन वाइज ये फोन दिखने में बढ़िया लगता है। इसके अलावा 3.5mm वाला जैक मिलेगा, सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर है एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी है। और यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो ये फोन MIUI 14 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 13 पर बेस्ड है। और हाँ, इसमें IP54 का रेटिंग भी मिल जाएगा। तो चलिए आइए फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का। तो ये फोन आपको 3 वेरिएंट में देखने को मिलेगा। 628 के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 18,000 रुपया देना होगा अमेजोन पर। 8256 वाले वेरिएंट का प्राइस फिलहाल के टाइम पे 20,000 रुपया है और 12256 वाले वेरिएंट का प्राइस फिलहाल के टाइम पे 22,000 रुपया है। तो 18,000 के बजट में आने वाला ये भी एक अच्छा बढ़िया फोन है। अगर आप इस फोन को भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो फिर चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अब तो लिस्ट में 4था बेस्ट स्मार्टफोन आता है रियलमी की तरफ से रियलमी 12 5G। दोस्तों, रियलमी की तरफ से आने वाला ये भी एक अच्छा बढ़िया फोन है एंड लॉन्च होने से ज्यादा टाइम हुआ है नहीं, लेटेस्ट स्मार्टफोन इस फोन को भी कह सकते हैं। खैर, ये फोन क्या स्पेसिफिकेशन के साथ आता है, आइए देखते हैं एकदम डिटेल से। डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसमें 6.72 इंच का फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले मिलेगा जो कि पंच होल डिस्प्ले है। इसमें 120 हर्ट्ज का ये रिफ्रेश रेट मिलेगा एंड 240 हर्ट्ज कट ऑफ सैंपलिंग रेट दिया गया है और 950 निट्स का पीक ब्राइटनेस भी है, जिससे अगर आप इस फोन को आउटडोर वगैरह में यूज करते हैं तो वहां पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हाँ, तो डिस्प्ले बढ़िया मिलेगा। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का। तो इस फोन के बैक साइड 2 कैमरा मिलेगा। मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का है, सेकंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है और वहीं सेल्फी कैमरा वो 8 मेगापिक्सल का है। प्राइमरी कैमरा में सैमसंग HM6 वाला सेंसर लगा हुआ है, 1.7 का अपर्चर भी है। 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन तो नहीं मिलेगा, आप आगे पीछे दोनों ही कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। प्रोसेसर की बात करेंगे तो इसमें मीडिया डायमेंसिटी 6100 प्लस वाला प्रोसेसर मिलेगा और लगभग 4 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर भी है। बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 5000mAh का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 45W का चार्जर को और बताया जाता है कि लगभग आधा घंटा में 0 से 50% चार्ज करके दे देगा ये चार्जर आपके फोन को, तो ये चीज ठीक ठाक ही है। रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 6GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा और आप चाहे तो 2TB तक का मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा भी सकते हैं। और इसके अलावा बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे
तो ये फोन प्लास्टिक बॉडी के ही साथ आता है। 188 ग्राम इस फोन का वेट है एंड 7.6 mm का थिकनेस है, तो काफी स्लिम फोन है एंड वेट भी एवरेज टाइप का है। इसमें स्टूडियो स्पीकर्स मिलेगा, 3.5 mm वाला जैक भी है, हाइब्रिड स्लॉट दिया गया है जिससे आप दो सिम या फिर एक सिम एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा पाएंगे। सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी है। और यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो ये फोन रियलमी यूआई 5.0 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 14 पर बेस्ड है। तो चलिए आइए फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का। तो दोस्तों ये फोन दो वेरिएंट में आता है, 628 के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 17,000 रुपया देना होगा एंड 8128 के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 18,000 रुपया देना होगा। तो 17-18,000 के बजट में आने वाला ये भी एक अच्छा बढ़िया फोन है, अगर आप इस फोन को भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अब तो लिस्ट में तीसरा बेस्ट स्मार्टफोन आता है वीवो की तरफ से, वीवो T3X 5G। गाइस ये फोन भी हाल ही फिलहाल में लॉन्च हुआ है एंड इस बजट में आने वाला ये भी एक अच्छा बढ़िया फोन है। अगर आपको कोई लेटेस्ट बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए 15-16,000 के बजट में, तब आप इस फोन की तरफ भी देख सकते हैं। तो ये फोन क्या स्पेसिफिकेशन के साथ आता है, आइए देखते हैं एकदम डिटेल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से ही। वैसे ये फोन भी प्लास्टिक बॉडी के ही साथ आता है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है, 7.9 mm का थिकनेस है एंड 99 ग्राम इस फोन का वेट है। डिजाइन वाइज ये फोन दिखने में खूबसूरत सा लगता है, फिर भी देख लीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग। इसमें 3.5 mm वाला जैक मिलेगा, स्टूडियो स्पीकर्स भी दिया गया है, IP64 का रेटिंग मिल जाएगा एंड सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर भी दिया गया है। और यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो ये फोन फनटच OS 14 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 14 पर बेस्ड है। तो अब डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसमें 6.72 इंच का फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले मिलेगा जो कि पंच होल डिस्प्ले है। इसमें 120 हर्ट्ज का ये रिफ्रेश रेट मिलेगा एंड 1000 निट्स का पिक ब्राइटनेस दिया गया है। तो रिफ्रेश रेट ठीक है एंड ब्राइटनेस भी सही है, जिससे अगर आप इस फोन को आउटडोर वगैरह में यूज करते हैं तो वहां पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो अब कैमरा की बात करेंगे तो इस फोन के बैक साइड दो कैमरा मिलेगा, मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सेकेंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है और सेल्फी कैमरा वो 8 मेगापिक्सल का है। मेन कैमरा का 1.8 का अपर्चर है और आप पीछे का कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर। प्राइमरी कैमरा इस फोन का बेटर मिलेगा एंड बाकी का कैमरा एवरेज टाइप का कह सकते हैं। तो अब प्रोसेसर की बात करेंगे तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 वाला प्रोसेसर मिलेगा और लगभग 5.5 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर भी है। तो इस बजट के अकॉर्डिंग प्रोसेसर पावरफुल मिलेगा एंड स्कोर भी बढ़िया है। बात करेंगे बैटरी का तो इसमें 6000 mAh का एक बड़ा सा बैटरी मिलेगा जो कि ये सपोर्ट करता है 44 W का चार्जर को। 6000 mAh का बैटरी मिल रहा है तो नो डाउट आपको अच्छा खासा बैकअप देगा। 6000 mAh का बैटरी होता है तो चार्जिंग में हल्का फुल्का टाइम लेता ही है, बट ये चार्जर आपके फोन को ठीक ठाक टाइम पे चार्ज करके दे देगा। रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 8 GB का रैम एंड 128 GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है और आप चाहे तो 1 TB तक का मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा भी सकते हैं। तो फिर आइए फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का। तो गाइस ये फोन तीन वेरिएंट में आता है, बेस वेरिएंट का प्राइस यानी कि 4128 वाले वेरिएंट का प्राइस फिलहाल के टाइम पे 13,500 रुपया है, 6128 वाले वेरिएंट का प्राइस फिलहाल के टाइम पे 15,000 रुपया है और 8128 वाले वेरिएंट का प्राइस फिलहाल के टाइम पे 16,500 रुपया है। तो 18,000 के अंडर में आने वाला ये भी एक अच्छा बढ़िया फोन है, अगर आप इस फोन को भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो फिर चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अब तो लिस्ट में सेकेंड बेस्ट स्मार्टफोन आता है रियलमी की तरफ से, रियलमी P1 5G। ये फोन जो है एकदम तरकता भरकता लेटेस्ट स्मार्टफोन है, 15-16,000 के बजट में ये फोन आपको आराम से मिल जाएगा एंड इस बजट में आने वाला यह एक अच्छा तगड़ा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। 15-16,000 के बजट में जैसा फीचर्स के साथ ये फोन आता है ना, किसी और फोन में ऐसा फीचर्स आपको नहीं मिलेगा। तो ये फोन क्या स्पेसिफिकेशन के साथ आता है, आइए देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से ही। तो प्लास्टिक बॉडी के साथ ये फोन भी आता है, 188 ग्राम इस फोन का वेट है एंड 7.9 mm का थिकनेस है। तो बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन वगैरह इस फोन का बढ़िया मिलेगा एंड वेट और थिकनेस भी ठीक ठाक ही है। तो डिजाइन वगैरह को देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, दिखने में बढ़िया लगता है ये फोन। इसमें 3.5 mm वाला जैक मिलेगा, हाइब्रिड स्लॉट भी दिया गया है जिससे आप दो सिम या फिर एक सिम एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा पाएंगे। सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी है। और यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो ये फोन रियलमी UI 5.0 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 14 पर
बेस्ड है। तो अब डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसमें 6.67 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा एंड 1200 नीट्स का ब्राइटनेस भी है। रिफ्रेश रेट भी बढ़िया है, आउटडोर वगैरह में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो अब कैमरा की बात करेंगे तो इस फोन के बैक साइड दो कैमरा मिलेगा। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सेकेंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है और सेल्फी कैमरा वो 16 मेगापिक्सल का है। प्राइमरी कैमरा में सैमसंग JN वाला सेंसर लगा हुआ है एंड 1.8 का अपर्चर भी है। और आप पीछे का कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर, और फ्रंट कैमरा से मैक्सिमम 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे वो 30fps पर। तो कैमरा भी इस फोन का ठीक ही है। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस का। तो गाइस इसमें MediaTek Dimensity 7050 वाला प्रोसेसर मिलेगा जो कि 6nm पर बना हुआ है और लगभग 6 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर भी है। नो डाउट प्रोसेसर काफी पावरफुल मिलेगा एंड स्कोर भी काफी ज्यादा एंड काफी बढ़िया है। वहीं बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 5000mAh का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 45W का चार्जर को। 25 से 27 मिनट में आपके फोन को 0 से 50% चार्ज करके दे देगा ये चार्जर। तो ये चीज ठीक ही है। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का। तो इसमें 6GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा और आप चाहे तो 2TB तक का मेमोरी को इसमें लगा भी सकते हैं। तो फिर आइए फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का। तो दोस्तों ये फोन दो वेरिएंट में आता है। 628 के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 16,000 रुपया देना होगा और 8256 के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 19,000 रुपया देना होगा। तो इस बजट में आने वाला ये भी एक अच्छा बढ़िया फोन है, अगर आप इस फोन को भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो फिर चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अब तो गाइस लिस्ट में आखिरी बेस्ट स्मार्टफोन आता है लावा की तरफ से, लावा ब्लेज कर्व 5G। 18,000 के अंडर में आने वाला यह एक अच्छा तगड़ा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। अगर आपको क्लीन UI के साथ आने वाला एक अच्छा फोन चाहिए या फिर अगर आपको इंडियन ब्रांड का स्मार्टफोन चाहिए तो ये दोनों कंडीशन पे ये फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और काफी तगड़ा स्पेसिफिकेशन के साथ भी ये फोन आता है। तो क्या कुछ इस फोन में मिलेगा, क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है, आइए देखते हैं एकदम डिटेल से। तो पहले स्टार्ट करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से ही। तो गाइस इस फोन का बैक साइड जो है वो ग्लास का बना हुआ है एंड प्लास्टिक का ही फ्रेम है। 190 ग्राम वेट के साथ आता है एंड 8.8 mm का थिकनेस है। तो इस फोन का बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन वगैरह बढ़िया मिलेगा। स्टूडियो स्पीकर्स मिल जाएगा, 3.5 mm वाला जैक नहीं है। सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी है। और ये फोन प्योर स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है जिसके कारण इस फोन में एक भी फालतू का एप थ्रेड्स वगैरह नहीं दिखेगा जो कि रन करता है एंड्रॉइड 13 पर। बट हां इसमें एंड्रॉइड 14 का अपडेट मिल जाएगा। इसमें 3.5mm वाला जैक तो नहीं मिलेगा बट टाइप सी टू 3.5mm वाला कनेक्टर मिल जाएगा। तो ये अच्छी बात है। अब बात करते हैं इस फोन का डिस्प्ले वगैरह का। तो इसमें 6.67 इंच का फुल HD प्लस कर्व एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। भाई 18,000 वाले फोन में कर्व एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है तो ये काफी अच्छी बात है। इसमें 120 हर्ट्ज का ये रिफ्रेश रेट मिलेगा एंड 800 नीट्स का ब्राइटनेस भी है। HDR 10 प्लस एंड वाइड बाइंड L1 का सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो डिस्प्ले के मामले में ये फोन काफी लाजवाब का है, डिस्प्ले काफी बढ़िया मिलेगा। तो अब कैमरा की बात करेंगे तो इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, सेकेंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 8 मेगापिक्सल का है, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है और सेल्फी कैमरा वो 32 मेगापिक्सल का है। और आप पीछे का कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। कैमरा इस बजट के अकॉर्डिंग डिसेंट मिल जाएगा। तो प्रोसेसर की बात करेंगे तो इसमें MediaTek Dimensity 7050 वाला प्रोसेसर मिलेगा। ये प्रोसेसर 6nm पर बना हुआ है और लगभग 6 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर भी है। नो डाउट प्रोसेसर काफी पावरफुल मिलेगा एंड स्कोर बढ़िया है। तो अब बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 5000mAh का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 33W का फास्ट चार्जर को। रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 8GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा और आप इसमें 128GB तक का मेमोरी को लगा भी सकते हैं। तो आइए फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का। तो गाइस इस फोन का प्राइस Amazon पर फिलहाल के टाइम पे 17,999 रुपया है। तो 18,000 के बजट में आने वाला यह एक अच्छा तगड़ा स्मार्टफोन है, अगर आप इस फोन को लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने 18,000 के अंडर में आने वाले 5 सबसे बेस्ट स्मार्टफोन को बता दिया है। अब आप अपने बजट एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनमें से किसी को भी ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ।